हेलो दोस्तों, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू हाउसवर्क हैंगओवर चैनल। आपका बहुत स्वागत है दोस्तों। आज का जो वीडियो है वो कोई क्लीनिंग वीडियो नहीं है। मैं ये वीडियो इसलिए आपके साथ शेयर करना चाह रही थी कि बहुत सारे मेरे जैसे लोग होंगे जो किचन से बाहर भी कुछ करना चाहते होंगे, जैसे कि वर्क करते हैं या कुछ और सीखना चाहते हैं लाइफ में। तो आजकल मैं कार ड्राइविंग सीख रही हूँ, तो मुझे लगा कि ये वीडियो डालना चाहिए। एंड बहुत सारी हाउसवाइफ्स होंगी मेरे जैसे जो सीखना चाह रही होंगी, पर कुछ ना कुछ हमें या तो बिजी स्केड्यूल से टाइम नहीं मिलता है या हम उसको बैक सीट में डाल देते हैं। तो बस ये इरादा कर लीजिए कि हमें कैसे भी ये सीखना ही है, टाइम निकालना ही है अपनी बिजी लाइफ से। तो मैंने फॉर्मली क्लासेस लिए हैं अपने इंस्ट्रक्टर से, उसके बाद जो है मैं अपने हस्बैंड को बिठा के चला रही हूँ। तो ऑस्ट्रेलियन रोड रूल्स ऐसे हैं कि अगर आपके पास लर्नर्स लाइसेंस हैं एंड आप आगे प्रोग्रेस करना चाहते हैं, जैसे कि मुझे रेड पी मिलेगा यहाँ पे आगे ड्राइविंग टेस्ट देने के बाद, पर जब भी आप प्रैक्टिस करना चाहो तो आपके बगल में जो है फुल ड्राइवर्स लाइसेंस होल्डर होना चाहिए, जो मेरे हस्बैंड हैं। तो मुझे हेल्प भी मिल जाती हैं और उन्हें मेरे बारे में पता है, तो वो अच्छा इंस्ट्रक्ट करते हैं, तो मुझे सीखने में आसानी होती है। तो मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप अगर सीखना चाह रहे हो तो प्लीज़ इसको डिले मत कीजिए। एंड ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम भी इंडिपेंडेंट हों, तो बच्चों को कोई आर्ट क्लासेस हों या स्कूल के बाद कहीं लेके जाना हो तो हस्बैंड पे डिपेंड ना हो, खुद लेके जा सकते हैं, खुद शॉपिंग कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें बच्चों के लिए हेल्प भी साबित होते हैं, तो इस तरह हमें भी एक फीलिंग आती है कि हम इंडिपेंडेंट हैं एक तरह से। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है सीखते हुए, और भी प्रैक्टिस बाकी है। जल्दी ही मैं ये फुल ड्राइवर्स टेस्ट जो है उसके लिए अप्लाई करने वाली हूँ, टेस्ट देने वाली हूँ। तो मैं आपको आई कीप यू पोस्टेड ऑन दिस, बट दिस इज़ हाउ इट गोस। तो मेरे पास ऑलरेडी लर्नर्स लाइसेंस है, पर मुझे अभी भी बहुत सारा प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिकल लेसन्स होते हैं रोड पे लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस यही कर रही हूँ। एंड हम लोग ब्रेकफास्ट करके निकले हैं सुबह के टाइम पे, एंड वीकेंड के टाइम पे जो है ट्रैफिक कम होती है रोड्स पे, तो ये आइडल टाइम है फॉर लर्नर्स। बस अभी घर पहुँचने के बाद मैं आपसे कुछ शेयर करने वाली हूँ, और वो है मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स मिले हैं इंडिया से जो मेरे पेरेंट्स ने भेजा है, बस मैं वो आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो मैंने सारे गिफ्ट्स ओपन करके रख दिए हैं ऑलरेडी, एंड ये सब चीज़ें इंडिया से आई हैं। एंड तो ये मेरी मम्मा ने भेजा है, एंड दिस इज़ अ लॉन्ग ड्रेस, एंड इसके कमर के पास टाइज हैं, एंड ये ग्रीन कलर में बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। एंड इसके साथ स्लीव्स भी आए हैं, पर स्लीव्स तो मैंने बगल में रख दिया है, ऐसे ही अच्छा लगेगा। एंड ये दूसरा वाला है, ये मेरी बहन ने भेजा है मेरी बेटी के लिए, एक अच्छा सा ब्लाउज है, उसने ये शायद सिलवाया था। एंड ये उसके साथ एक चुन्नी भी आई है, एंड बड़ा अच्छा डिज़ाइन है। एंड ये बेज कलर का लहंगा ऐसे, अच्छा फेस्टिवल्स में पहनने के लिए, सब यहाँ पे जो भी हम फेस्टिवल्स मनाते हैं उसमें पहनने के लिए बहुत ही अच्छा है। और ये मेरे बेटे के लिए, ये थोड़ा सा बड़ा है, तो ये मेरे पेरेंट्स ने भेजा ये और वो ग्रीन वाला बच्चों के लिए, क्योंकि अगर फेस्टिवल्स होते हैं तो कुछ होता नहीं है पहनने के लिए, सिर्फ टी शर्ट पहनना अच्छा नहीं लगता। ये थोड़ा सा स्क्रैची लग रहा है, ये नहीं पहनेगा शायद वो। एंड ये उसके साथ पजामा मरून का, और ये क्रीम कलर का है, एंड ये थोड़ा सा बड़ा साइज़ है, इस साल तो नहीं आएगा, अगले साल देखेंगे। और बहुत कम पहनते हैं तो बड़ा साइज़ लेना ही अच्छा है, नहीं तो छोटे हो जाते हैं। एंड इसके बाद ये और एक ये मेरी बहन ने भेजा है, तो ये चिकन वर्क है इस पर, सिर्फ प्लेन वाइट कुर्ता है, एंड ये उसके साथ बॉटम पजामा वाला, एक बार दिखा देती हूँ मैं।
मेरा बेटा है मेरे साथ में, तो जो आवाज़ें आ रही हैं वो कर रहा है। और ये मैंने मंगवाया था क्योंकि ये भी इंडिया से मंगवाया है, तो ये सारे एक्चुअली इंडिया से हैं, पर मैं स्पेसिफ़िकली बोल रही हूँ क्योंकि मैंने बता के ये कलर मंगवाया था बहन से, तो उसने ये ट्राई करके भेजा, मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया। एंड ये थोड़ा सा मेश वर्क है, मेश या क्रोशो वर्क, एंड ये येलो हाई लो बॉटम, सॉरी हाई लो कुर्ता, ये वाला सामने आएगा और ये वाला पीछे। इतने दिन मैंने बैग में रखे हैं कि अभी रिंकल्स आ गए हैं, तो मैंने कहा अभी फाइनली आपको दिखा देते हैं, उसके बाद निकाल के रख दूँगी। और उसके साथ ये प्लाजो है वाइट वाला, ये देखिए। तो मैंने ये स्पेसिफ़िकली ये कलर्स बोले थे क्योंकि मैंने अनुष्का शर्मा को देखा था एयरपोर्ट में, उनकी शादी के बाद ये कलर कॉम्बिनेशन पहना था उन्होंने, तो मुझे कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा कि येलो एंड वाइट अगर आपको मिलता है तो प्लीज़ मेरे लिए पिक कीजिए। तो उसको लकीली मिल गया जहाँ पे वो देख रही थी, तो उसने येलो एंड वाइट, बहुत ही क्लासी लगता है ये कलर कॉम्बिनेशन, रेड वगैरह वो थोड़ा ब्राइट हो जाता है यहाँ पर, तो लाइट कलर्स ये सब अच्छा है। एंड ये दूसरा मेरे शायद हस्बैंड के साइड से किसी ने सिलवा के भेजा है, मुझे अभी भी पता नहीं है किसने भेजा है, फ़ोन करके पूछना होगा। ये लहंगा है एंड ये उसका ब्लाउज, एंड बड़े अच्छे टैसल्स हैं इसमें, ये देखिए अच्छा लग रहा है, तो बहुत ही अच्छा है। पिंक कलर लड़कियों का फेवरेट होता है, तो दो पिंक आ गए। एंड ये थोड़ा सा अलग पिंक है एंड वो थोड़ा लाइट पिंक है, ये डार्क साइड पर है, पर बच्चों को मतलब लड़कियों के कितने भी ये शेड्स हों पिंक कलर के कम ही है। और ये टेक ऑफ योर लेग, और ये मेरी बहन यूके गई थी तब वो लेके आई थी मेरी बेटी के लिए। एंड ये ऑफ शोल्डर है, नॉट ऑफ शोल्डर, कोल्ड शोल्डर टॉप है, एंड इसके साथ बॉटम भी था ये वाला, या पर साइजेस बड़े हैं तो शायद एक साल के बाद पहनेगी, एक या दो साल के बाद, साइजेस बहुत बड़े हैं। तो मिकी माउस लिखा है, उसको बहुत पसंद है ये टॉप, बहुत पसंद आया। ये वाले तो यहाँ पे भी मिलते हैं लेगिंग्स, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं एंड अच्छे मिलते हैं ये। जब मैं इंडिया लेके इंडिया जाती हूँ तो ऐसे वाले लेगिंग्स भी लेके जाती हूँ, क्योंकि इंडिया में नहीं मिलते हैं ये सारे डिज़ाइंस जहाँ तक मुझे मालूम है, अभी पता नहीं, तो मेरे नीसेस के लिए लेके जाती हूँ। और थोड़े एक्सेसरीज भेजे मेरी बहन ने, तो दिखाती हूँ आपको। तो ये बेल्ट मैंने पूछा था क्योंकि मुझे एक बच्चों का बेल्ट चाहिए था अच्छे क्वालिटी वाला, कभी कभी काम आ जाता है। एंड बैंगल्स भेजे हैं पिंक वाला ये, तो उस पर जो पिंक वाला इस पर ड्रेस है उस पर मैच हो जाएगा। एंड देन ये येलो वाले, एंड ये माला मुझे बहुत पसंद आया है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है ये, एंड मेरी बेटी को बहुत पसंद आया है, ये देखिए अच्छा लग रहा है ना, एकदम डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड ये हेयर बैंड, ये तो नॉर्मल है। एंड ये हेयर टाइस कलरफुल, ये और थोड़े, एंड देन ये हेयर टाई फ्लावर डिज़ाइन है, और ये एक बो, और ये हेयर एक्सेसरीज अगेन, एंड ये छोटा सा ऐसे वाला मेरे पास भी था, एंड मेरी बेटी को ये बहुत पसंद आया, एक ब्रेसलेट की तरह है, मैं खोल के दिखाती हूँ, ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा है ये पर्ल्स की तरह, एंड ये इजी टू वेयर है, यहाँ से ओपन होता है ऐसे, या पुट इट बैक, अच्छा है ना। तो बहुत ही क्यूट क्यूट बॉक्सेस हैं कॉस्मेटिक वाले, तो इसमें हम बॉबी पिंस रख सकते हैं, हेयर टाइज वगैरह ऑर्गेनाइजिंग के लिए, ये ट्रैवल के लिए भी बहुत अच्छा है, ये देखिए कितना क्यूट है,
वेरी क्यूट। एंड ये सम मोर हेयर टाइज। तो जब भी मैं इंडिया से आती हूँ थोड़े बहुत मैं लेके आती हूँ, एंड मेरी मेरी जो फैमिली है वहाँ पे, मम्मी पापा बहनें, वो भी भेजते रहते हैं कभी जब कोई यहाँ पे आता है या कुरियर कर देते हैं। तो बस यही है, मैंने सारा कुछ दिखा दिया है आपको। ओ सारी दिखाना भूल गई मैं। तो मेरी दूसरी बहन ने मुझे एक साड़ी भेजी है, ये वाला सिंपल साड़ी है बट कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ही पसंद है। छोटे मोटे गैदरिंग्स के लिए परफेक्ट है, जैसे कि यहाँ पे अगर फंक्शंस होते हैं या मंदिर में फेस्टिवल्स मनाते हैं तो ये साड़ी पहनना बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत अगर ज़्यादा पट्टू साड़ीज या सिल्क साड़ीज ले लेते हैं तो पहनना दो बार सोचना पड़ता है कि ये पहनना अच्छा लगेगा कि नहीं। व्हाट इज़ इट बेटा? Can you hurry up because I'm trying to watch you. Okay, okay. Yeah. मेरा बेटा बोल रहा है जल्दी करो मम्मा मुझे ट्राई करना है। तो बस यही सब चीज़ें हैं, उम्मीद है आपको पसंद आते हैं। मुझे बताइए आपको कौन सा वाला अच्छा लगा। मुझे तो वो पिंक वाला एंड बीज कलर एंड देन ये ड्रेस जो ग्रीन फ्लोरेसेंट ग्रीन में ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद आया है। एंड तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब करना एंड ये वीडियो लाइक करना। बाय।